भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा इस्लामिक त्योहार मुहर्रम के मौके पर सेक्टर 5 चौक में लंगर स्वरूप फल वितरण किया गया। विभिन्न प्रकार के फल जैसे आम, जाम, जामुन आदि फलों का वितरण यहां पर किया गया। साथ ही निजामिया मुहर्रम अलाव कमेटी द्वारा भी फरीदनगर सामुदायिक भवन आत्मानंद स्कूल ग्राउंड में भव्य अलाव का आयोजन भी किया गया। फलों के स्टॉल पर जहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, वहीं हजार लोगों ने अलाव का आनंद उठाया। आयोजन को लेकर कमेटी के लोगों द्वारा इस तरह की जानकारी दी गई। सबसे पहले आप तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद यासिन अंसारी भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी का मैं सदर हूँ, और मेरे अहले सदारत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी की कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ काम करते हैं। और हम लोग एक जो भी माहौल होता है, चाहे दीनी हो चाहे और भी जो समाज की काम वाली चीज़ें, उन सब में हम लोग इकट्ठे होते हैं और अपना एक पैगाम देने की हम लोग की कोशिश रहती है कि कैसे हम आवाम की खिदमत कर सकें। तो इस मुहर्रम के मौके पर हम लोगों ने एक प्लान बनाया, इसमें पहली मुहर्रम को और 7 मुहर्रम को बाबा फरीदनगर नियामी चौक और ईदगाह मैदान, ईदगाह ग्राउंड के पास हम लोगों ने सबील का अहतमाम किया। और उसके बाद 10 मुहर्रम को हम लोगों ने सेक्टर 5 चौक में फ्रूट्स का वितरण किया, जो कि बहुत ही लोगों के द्वारा सराहा गया। और राह चलते लोगों ने बिना किसी भेदभाव के हम फ्रूट स्टॉल पे आए और सभी को एक निगाह से देखते हुए प्रॉपर जितना चाहिए उन लोगों को दिया गया। और साथ में हम लोगों ने पानी भी बांटा और बच्चों को चॉकलेट भी दिए। और ये मुहर्रम का महीना ही सब्र का महीना है और तहमुल का महीना है। इसमें इंसान को ये समझने की ज़रूरत है कि हमें वक्त जब पड़े तो हमें इंसानियत के लिए हमारे इमाम हुसैन ने किस कदर कुर्बानियाँ पेश की थी, और अपने कुर्बानी की बदौलत उन्होंने पूरी इंसानियत को बचाया था और हक़ का जो परचम बुलंद किया, और वो परचम आज तक बरकरार है और ता क़यामत तक हक़ हमेशा बुलंद ही रहेगा। तो उनके याद में हम लोगों ने ये छोटा सा अकीदत के साथ एक नजराना पेश किया। और अल्लाह की बारगाह में हम लोग ये दुआ करते हैं कि इमाम हुसैन के मर्तबे को हम लोग क्या पहचान सकते हैं, वो उनका मर्तबा तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन और उनके लिए दुआएं करते हैं और उनके सदक़े में पूरी उम्मत के लिए भी दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह नेक तौफीक दे, ताकि हम लोग नेक काम करते रहें और खिदमतें खल करते रहें और एक दूसरे के काम आ सकें। और ये हमारी छोटी सी पहल लोगों के अगर काम आ गई या लोगों ने पसंद किया, तो इंशाअल्लाह हम लोग आगे भी इससे और अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे। भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी जैसा कि हमेशा की तरह खिदमतें खल करते आ रही है लंबे समय से, उसी तारतम में मुहर्रम में 7वीं मुहर्रम को जामी चौक में, 5वीं मुहर्रम को ईदगाह चौक में और 10वें मुहर्रम को सेक्टर 5 चौक में लंगर का इंतज़ाम किया गया था। तो फरीदनगर ईदगाह चौक में शरबत पिलाया गया, फरीदनगर निजामी चौक में शरबत पिलाया गया, और ताकि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की याद में लोगों तक प्यासों को पानी और भूखों को खाना खिलाया जा सके। तो मौसम को देखते हुए और वक्त की ज़रूरत को देखते हुए गरीबों को मिनरल्स, विटामिन युक्त फ्रूट्स, पपीता, केला, अनानास और चॉकलेट्स वगैरह फल वगैरह खिलाया गया, और ताकि उनको एनर्जी प्राप्त हो सके और भूखे को पेट भर सके। और हमारे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की याद हम लोग मनाएँ और उनका फैजान हम तो सब लोगों तक पहुँचे। और इसमें हमारी सोसाइटी के सभी लोगों ने, संरक्षक नसीरुद्दीन खान सर और नसीमुल हक साहब, असलम हैदराबादी और जाकिर भाई, और सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और यहाँ जो हमारे मौजूद हैं हमारे अध्यक्ष मोहम्मद यासिन भाई, समीम भाई, रिजवान भाई और मतलूब अंसारी भाई, नदीम भाई, समीम भाई और जो यासिन भाई थे और बानी भाई और भी लोग थे जिन्होंने तन मन धन से हिस्सा लिया, और लगभग हजारों लोगों को फल काट के कटोरी में हाइजीनिक रूप से, मतलब सेफ्टी का ध्यान रखते हुए परोसा, और लोगों ने उसका फुल आनंद लिया और लोगों का पेट भरे, शरबत पिला के लोगों को प्यास बुझाई गई।